नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसमें हम लोग मेंडलीव की आवर सारणी की उपलब्धियां इसके बारे में पढ़ेंगे। आवर सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी क्रम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.9, सारणी में निकल का परमाणु द्रव्यमान है 58.7 से पहले है। अब कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकल के परमाणु द्रव्यमान से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसको पहले रखा गया। क्यों? क्योंकि उनके गुणधर्म को यानी कि सारणी के हिसाब से रखने के लिए उसके पहले रखना पड़ा। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपने आवर सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। मेंडलीव ने कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया। उन्होंने उसको दोष की जगह उन्होंने ऐसा कहा कि उस जगह पर कोई ना कोई नया तत्व आएगा। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम। इनके गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्युमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को यहाँ पे सारणी में दिखाया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एका एल्युमिनियम तथा गैलियम के गुणधर्म। एका एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान है 68, जबकि गैलियम का है 69.7। ऑक्साइड का सूत्र है E2O3, गैलियम का ऑक्साइड का सूत्र है Ga2O3, क्लोराइड का सूत्र है ECl3 एका एल्युमिनियम का। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एका एल्युमिनियम का ऑक्साइड का सूत्र सॉरी क्लोराइड का सूत्र है ECl3, जबकि गैलियम का है GaCl3। दोनों में समानताएं हैं, मतलब एका एल्युमिनियम और गैलियम दोनों एक ही तत्व के सिंबल हैं, ऐसा उनका कहना था। इससे मेंडलीव की आवर सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु तो उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियोन एवं आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीव की आवर सारणी की एक विशेषता यह थी कि जब इन गैसों का पता चला, यानी कौन सी गैसों का, अक्रिय गैसों का पता चला, तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इनको समूह में रखा जा सका। ओके दोस्तों, अब हम लोग है जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हो यहाँ पे कि क्षार धातुओं की भार जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl, HCl, H2O, Na2O, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे सोडियम का सल्फाइड। मीन्स कि जो क्षार धातुएं हैं हैलोजन के साथ जिस तरह से अभिक्रिया करती हैं, हाइड्रोजन भी उसी तरह से हैलोजन के साथ अभिक्रिया करता है।
अब यहाँ पे आप देखिए कि दूसरी ओर हाइलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्वि परमाणु अणु के रूप में पाई जाती है तथा धातुओं अधातुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाती हैं। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन जो है हैलोजन की तरह से द्वि परमाणुक होता है और क्षार धातुओं की तरह से हैलोजन के साथ अभिक्रिया भी करता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी, वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। इसके बाद दोस्तों मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। समस्थानिक किसे बोलते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग हों। जबकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उनमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम के हिसाब से रखा गया था। इस तरह से जो समस्थानिक हैं उनके अलग अलग स्थान हो जाते थे। तो हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। मीन्स कि मेंडलीव के हिसाब से कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया तो उनके अलग अलग स्थान होने चाहिए, लेकिन जो समस्थानिक थे उनका स्थान तो एक ही है लेकिन मेंडलीव के हिसाब से उनका अलग अलग स्थान होना चाहिए था। उनके जो सिद्धांत थे। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो ये कठिनाई आती है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।